हाय गाइस, वेलकम टू राइट अकेडमी क्लासेस। मैं रमेश कुमार और आज हम लोग करेंगे मैथ्स। ओके, एक फल विक्रेता ने एक दिन में 90 सेब बेचे, जो कुल सेबों का 37.5% है। फल विक्रेता के पास कुल कितने सेब थे? ओके, तो यदि इसको सॉल्व करना हो तो इस तरह से करेंगे कि जैसे उसने टोटल कितने सेब बेचे हैं, 90। ओके, और ये किसके बराबर होंगे? देखो 37.5% के, क्योंकि इतने ही तो बेचे हैं उसने। अब गाइस, अगर इससे पहले आप लोगों ने क्लास की होगी तो इसको मैंने कितना लिखा था, ठीक है, 3/8 बराबर 90। तो 3 = क्या होगा, 90 × 8। तो 1 = कितना होगा, 90 × 8/3। तो इसे आप काट दीजिए, ठीक है, 3 × 8 = 24। तो उसके पास टोटल सेब कितने थे, 240। करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। टिंकू ने एक परीक्षा में 105 अंक प्राप्त किए, जो पूर्णांक का 62.5% है। देखो जितने नंबर मिले हैं उसका कितना परसेंट बना, 62.5%। तो आप लिखेंगे 62.5% = 105। ओके, इसको यदि देखें तो आप ये कितने का मान है, 5/8 का, 105। तो 5 = कितना आ गया, 105 × 8। ओके, तो 1 = कितना होगा, 105 × 8/5। अगर इसे काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5, ये होगा 8 × 8, 8 × 2 = 16। तो आंसर कितना है, 168। इसका अर्थ है बी। ओके, सेम एक फल विक्रेता ने एक दिन में 120 के लिए बेचे, जो कुल केलों का कितना है, 16.66% है। उसके पास उपलब्ध केलों में से कितने केले नहीं बेच पाया? तो पहले तो कितने बेचे हैं, 16.66% = कितना होगा आपका, 120। तो इसको लिख सकते हो गाइस कितना, 1/6, 1/6 = 120। तो 1 = क्या होगा, 120 × 6, इट मीन्स कितना आ गया, 720। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कितने नहीं बेच पाए, तो टोटल है ना, तो इसमें से कितने बेच दिए हैं उसने, 120 के लिए। तो कितने नहीं बेच पाए, 600 रिमेनिंग है। करेक्ट आंसर क्या है, बी।